हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एन लॉस कारवार। तो कैसे हो सब लोग? होप यू आर बेस्ट। मैं अभी बात करने वाला हूँ इसी NS 200 पे, और प्रोस एंड कॉन्स में बात करने वाला हूँ। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा हूँ। मैं ये गाड़ी चलाई हुई है 10,500 किलोमीटर्स, और लगभग 1 साल 4 महीना हो चुके हैं। और मैं अभी इसकी प्रोस एंड कॉन्स बताने वाला हूँ, और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहेगा वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखा हूँ। और मेनली डिसएडवांटेजेस वो क्या क्या थी वो मेन है इस वीडियो में। और मैं अभी बात करने वाला हूँ प्रोस से, क्या क्या एडवांटेजेस है। पहली थिंग है वो है इसकी इंजन, और इस पे हम लोग को मिल जाता है वो है 199.5 सीसी की इंजन, और 24.5 पीएस की पावर, और 17 एनएम की टॉर्क। और इसी 2 लाख के अंदर ये 200 सीसी की इंजन कौन सा ब्रांड में नहीं देता है, और क्योंकि सभी ब्रांड अलग अलग इंजन रहता है, और मे बी KTM हो गई, अपाचे हो गए, फिर भी ये बजाज वालों ने अंडर 2 लाख ये 200 सीसी की इंजन दे रखी है। वो बहुत पावरफुल है, मैं चलाई हुई है। ये आता है लिक्विड कूलिंग के साथ, मतलब टूरिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट में और भी ब्रांड्स है 200 सीसी प्रोवाइड करती है, बट वो ओवर प्राइज्ड है, मतलब 2 लाख क्रॉस कर लेती है। मैं अभी बात करने वाला हूँ सेकेंड थिंग, वो है इसका प्राइजिंग। ये एक बजट फ्रेंडली बाइक है, और मैंने ली थी इसको 1,85,000 ऑन रोड, और मेरा गाँव कारवार में, और कारवार में थोड़ा टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, और इसके एक्सोरूम प्राइस थी वो है 1,38,000 समथिंग। और इस प्राइस पॉइंट पे और भी बाइक्स है, मे बी KTM हो गई और अपाचे, इन दोनों ब्रांड की थोड़ा ज़्यादा है प्राइसिंग, ड्यू की समथिंग 2,30,000 क्रॉस हो जाती है, और अपाचे की 1,98,000 उसका अबव ही है। और ये मैंने 1 साल पहले पूछा था, और अभी ज़्यादा होगा। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस बाइक को, क्योंकि मेरा बजट ही उतना था लेने का। मैं अभी बात करने वाला हूँ थर्ड एडवांटेज के बारे में, वो है इसका लुक। और ये अभी यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये जो आप देख सकते हो शार्प कट लुक बहुत एनहेंस कर देती है लुक के मामले में, और देखने के लिए तो बहुत अच्छा दिखता है। मे बी इसका फ्रंट से हो गई, बैक से हो गई, बैक पोस्चर तो बहुत अच्छा दिखता है इसका। और अगर आप मिरर और टायर अगर हटाओगे तो लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा दिखने के लिए, और अच्छा दिखेगा। 2 महीने पहले मैं इसमें इंस्टॉल की थी KTM की अंडर बेली, वो इग्नोर करो, वो उसमें नहीं आएगी, वो सेपरेटली मैंने एडजस्टमेंट करके ऐड की है उसमें बाइक में। अगर ये आपको पसंद आ गई तो आप भी ले सकते हो, और इसका डिटेल वीडियो मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मैंने ही बनाई थी वीडियो, और डिटेल वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। एग्जॉस्ट नोट तो पिछले BS3, BS4 या BS6 हो गई, BS6 में तो बहुत अच्छा है एग्जॉस्ट नोट, और BS4 3 भी ठीक ठाक है, बट लेकिन BS6 मेरे को बहुत अच्छा लगा एग्जॉस्ट नोट, वो मैं अभी सुना देता हूँ। इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अभी मैं फोर्थ एडवांटेज के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इसका वाइब्रेशन। ये मतलब वाइब्रेशन फ्री बाइक है। अगर BS3 में थोड़ी बहुत वाइब्रेशन थी, बट BS6 और BS7 वेरिएंट में फुल्ली वाइब्रेशन सभी कम हो चुकी है। जब से BS6 और BS7 आ गई है, इसका इंजन तो बहुत रिफाइंड हो चुके हैं। इस बाइक को लेकर आप आराम से टूरिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वाइब्रेशन नॉट एट ऑल है, थोड़ी बहुत है। अगर आप 5,000 RPM के ऊपर जाते हो तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगी। अब मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ एडवांटेजेस की, वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। और BS3 बाइक में तो ABS नॉट एट ऑल थी, BS4 में सिंगल चैनल आ गई, और BS6 में भी सिंगल चैनल थी, और BS7 में फाइनली डुअल चैनल ABS आ चुकी है। ये थी कुछ 5 एडवांटेजेस बाइक के बारे में। अभी हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या इसमें कौनस हैं। फर्स्ट थिंग में इसकी बात करूँ, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, वो है 168 mm। जैसे कि हम सब लोग को पता है इंडियन रोड्स के बारे में, अगर आप सिंगल पर्सन राइडिंग करते हो तो इट्स ओके, वो नीचे नहीं लगेगी। अगर आप पिलियन के साथ जाते हो तो स्पीड ब्रेकर लग सकती है, और मैं भी इसी बात पे डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बार हुआ है जब पिलियन के साथ मैं राइडिंग करता हूँ और नीचे लगी जाती है अगर स्पीड ब्रेकर अगर ज़्यादा ऊँचा हो तो।
यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो है सस्पेंशन बढ़ाने की। इस सस्पेंशन को हम बढ़ा सकते हैं और वो बढ़ाने से मे बी नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर अगर आएगी तो नहीं लग सकती है, पिलियन भी हो तो। सेकेंड डिसएडवांटेज के मैं बात करूँ वो है इसके हेलोजन बल्ब्स एंड फीचर्स। फीचर्स तो छोड़ो कुछ भी नहीं है। सो अभी आ जाते हैं हेडलैम्प पे, और हेडलैम्प पे हमको सिम मिलेगी वो है हेलोजन में, और इंडिकेटर्स भी सेम हेलोजन ही है। एक छोटे के टेल लैम्प हमको एलईडी मिलेगी, और नंबर प्लेट लाइट और पायलट लैम्प भी सेम वो भी हेलोजन ही मिलेगी। हेलोजन हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रात में भी दिख जाती है। मैं इस इंडिकेटर को सिमटेक एलईडी बल्ब से कन्वर्ट किया गया हूँ, इसलिए वो वैसे दिख रहा है। थर्ड डिसएडवांटेजेस के बारे में वो है इसके टायर सेक्शन। ये करीब 185,000 की आती है और इसमें हम लोग को मिल जाती है 130 सेक्शन की टायर पीछे, और ये इसकी इंजन की पावर है 200 cc और इसमें हम लोग को मिलती है 130 सेक्शन की टायर। फिर भी कॉस्टिंग कम है, कॉस्ट कटिंग तो होती है थोड़ी बहुत। कॉर्नरिंग में तो उतना फील नहीं आता है लीन करने के लिए, क्योंकि इस टायर सेक्शन की वजह से। और इसमें 150 तक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉर्नरिंग नहीं कर सकते हैं, बट उतना भी लीन नहीं कर सकते हैं जितना 150 में करते हैं। सो अभी मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ डिसएडवांटेज के बारे में, वो है इसकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और अभी BS7 नया मॉडल है, उसमें हम लोग को मिल जाती है USD सस्पेंशन, बट हम बेचारे क्या कर सकते हैं, BS6 वेरिएंट लेके बैठे हुए हैं और उसमें टेलीस्कोपिक है और उतना अच्छा फील नहीं आता है जितना USD में है। इसी सेगमेंट में और भी बाइक है, MT हो गई, R15 हो गई, और उसमें USD आ चुके हैं। उसमें पहले ही आई थी USD और अभी BS7 में आई है NS200 में। अभी मैं बात करने वाला हूँ पांचवा डिसएडवांटेजेस, लास्ट वन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इंजन क्विल स्विच, और इसमें आप गैप देख सकते हो कितना गैप है। और ये मैंने हैंडल चेंज करा हुई है, और इसमें पहले स्टॉक हैंडल पे भी वैसे ही थी जितना अभी है। और यहाँ पे अगर आप मॉनसून के सीज़न में गाड़ी चलाते हो और बाहर रखते हो तो प्रॉब्लम नहीं देगी, अभी तक नहीं हुए वैसा प्रॉब्लम। और मेरे को एक ही डर है कि अंदर पानी चला जाए और स्विचेस कुछ ख़राब हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वो हेड और बॉडी से कितना गैप है, और जब मैं बाइक ली थी उतना गैप नहीं थी, और जब मैं सर्विस कराई हेड ओपन करने के बाद ऐसे ही देखने के मिलेगा। और ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर वायर इधर उधर करना है तो कर सकते हैं, और वो भी ठीक सक से नहीं होता है। फिर भी बजाज वालों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। 3 वीक्स पहले मैंने इंस्टॉल की थी KTM के हैंडल बार, उनका उतना अच्छा नहीं है बिल्ड क्वालिटी, मैंने कंपेयर करके देखा है। NS पे तो क्लिप ऑन हैंडल बार आता है, और मैं वो बार हैंडल और क्लिप ऑन हैंडल दोनों कंपेयर करके देखा, बिल्ड क्वालिटी अगर वेट में और स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा है, उससे KTM से बहुत अच्छा है बजाज का हैंडल। सो गाइस, यही थी कुछ प्रोस एंड कॉन्स इस बाइक के बारे में। सो और एक गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगा, वो है बजाज पल्सर NS200 नया मॉडल लॉन्च कर रही है। और मैं अभी फ्यू डेज बैक, मतलब 3 दिन पहले मैं एक वीडियो डाली थी 2024 NS200, वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें हम लोग को मिल जाती है LED इंडिकेटर्स, और हेडलैम्प भी LED मिलेगी, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल मिलेगी, और टायर सेक्शन तो खैर पता नहीं। टीनएजर्स और यंगस्टर के लिए तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, और फ्यूचर लोडेड बाइक हो सकती है आपके लिए, क्योंकि सभी चेंज हो रखा है, LED इंडिकेटर और हेडलाइट वो सब, और डिजिटल कंसोल भी। और मेन वो चीज़ मैं बात करूँ इंजन पे, और इंजन वो कुछ चेंज नहीं किए गए हैं, और सेम ही है 199.5 cc सेम ही है सब। KTM हैंडल बार इंस्टॉल की थी मेरी बाइक में, वो मैंने वीडियो करके डाली थी, उसमें तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई आप लोगों ने, और मैं भी बहुत मोटिवेट हो गया। मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि जब कोई एफर्ट डालता है और उसका फल हमको बहुत अच्छी तरह से मिलता है, और बहुत खुशी होती है मन में। तो और भी मॉडिफिकेशन करना है इसी बाइक पे, और वन बाय वन करते रहेंगे। सो अभी नेक्स्ट रहेगा इसकी व्हील कैप, और उसके बाद भी एग्जॉस्ट भी डलवाएंगे और देखेंगे। और मेरे को भी ठीक से टाइम नहीं मिलता है कॉलेज की वजह से, सो फिर भी ट्राई करेंगे बहुत जल्दी वीडियो लाने के लिए। मैं कौन सा एग्जॉस्ट डालो ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको क्या अच्छा लगता है, बाइक मॉडिफिकेशन वीडियोस या राइडिंग वीडियोस, कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी तरह से कीप सपोर्टिंग मी गाइस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है SMLostCarwar, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नया करते हुए। सो टिल देन टेक केयर।